हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन जीडीएस एकेडमी। जीडीएस एकेडमी आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम है और आप अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, जहां पर आपको डेली द हिंदू न्यूज एनालिसिस हिंदी में पूरा का पूरा एडिटोरियल पार्ट्स और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाते हैं और प्रैक्टिस भी कराए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज जो द हिंदू है, द हिंदू में आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट्स आर्टिकल आए हैं और एक बहुत अच्छा आर्टिकल्स आया है और वो आर्टिकल समझ लीजिए कि एक प्रैक्टिकली बेस्ड पर डिपेंडेंट है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पहला आर्टिकल्स है और एक जो लंबा वाला आर्टिकल है वो आज एक तरीके से दार्शनिक तथ्यों का ज़्यादा उल्लेख किया गया है, नफ़रत के बारे में लिखी गई है और भारत में कैसे हिंसा हो रही है, विभिन्न पार्टियों के द्वारा कैसे कराई जाती है, वो ऐसा लिखा गया है। उसका कोई भी परीक्षा उपयोग के दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं है। तो जो दूसरा आर्टिकल्स है वो यूनिवर्सिटी के ऊपर रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी में क्या रिलेशंस होने चाहिए, यूनिवर्सिटी में जो नया प्रोपोगंडा आ रहा है, नए शिक्षा में क्या बदलाव हो रहा है, उससे रिलेटेड है और मैं इसी की बात कर रहा था। दिस इज़ द माइंड ब्लोइंग आर्टिकल, बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, एक तरीके से मन की बात जो है वो निकाल करके लिखा गया है और बहुत बहुत बेहतरीन आर्टिकल है और उस पर जो है अमल करना चाहिए हर स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक संस्थान को। आज ये जो बातें लिखी गई हैं ये हर राष्ट्र के लिए उपयोगी है, हर शिक्षा पद्धति के लिए उपयोगी है, हर किसी के लिए जो है वो बहुत बहुत उपयोगी है। बाकी जो दो आर्टिकल लिखा गया है वो दो आर्टिकल एक तरीके से, एक इजराइल के ऊपर लिखा गया है, इजराइल किस तरीके से वेस्ट बैंक और फिलिस्तीनियों में जो है वो संघर्ष हो रहा है, उसके ऊपर पूरा का पूरा एनालिसिस लिखा गया है। और जो एक आर्टिकल अगला आर्टिकल लिखा गया है वो पश्चिम बंगाल के ऊपर लिखा गया है, पश्चिम बंगाल में जो हिंसा जारी है, वहाँ जब भी चुनाव होता है तब भी हिंसा बहुत अधिक हो जाती है और जिसकी वजह से पूरा का पूरा वहाँ पर जो प्रशासन है वो सुचारू रूप से कंडक्ट नहीं हो पाता, उसके ऊपर लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग एक एक आर्टिकल को विस्तार पूर्वक देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल जो है अ डूर वे टू एन इंटरप्रोलियल यूनिवर्सिटी, इसका मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि बताते चलूँ आपको, ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आनी चाहिए। इसकी जो फ्रेंड्स बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड ये है कि जो वर्तमान की शिक्षा पद्धति है, शिक्षा पद्धति में जो बदलाव होना चाहिए वो बदलाव दो तरीके से होता है। एक बदलाव होता है क्या कहते हैं, परंपरागत शिक्षा पद्धति का मतलब होता है कि जो ट्रेडिशनल जैसे चली आ रही है वैसे ही चलेगी, शुरुआत से जैसे आ रही है उसमें कोई बदलाव नहीं। दूसरा होता है समय के साथ चलना, समय के साथ जो परंपरा, समय के साथ जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, यानी कि जिसका दौर है, जो हमारी आवश्यकता है उसका कराया जाता है, तो वो बहुत बहुत बेहतरीन होता है। तो आइए हम लोग उसी को देखते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो वर्तमान समय में एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसमें बदलाव की बात की जा रही है। और कैसा बदलाव, एक तरीके का एक ऐसा बदलाव जिसमें विभिन्न प्रकार के जो विविध क्षेत्रों के प्लेयर्स होते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री होती हैं, विभिन्न प्रकार के संस्थान होते हैं, विभिन्न प्रकार के उद्यम होते हैं, संगठन होते हैं, संस्थान होते हैं, तो ये सब जो है यहाँ पर जो है ऊंचे अव्वल दर्जे के खिलाड़ी होते हैं जो उस पूरे संगठन का नेतृत्व करते हैं। जैसे अगर प्लेयर्स है तो जाहिर सी बात है एक उसमें ऐसा होगा जो पूरा का पूरा कैप्टन की तौर पर नेतृत्व कर रहा होगा, कोई उद्यम है तो उसको चलाने के लिए कोई नेतृत्व कर रहा होगा, कोई संगठन है तो उसको लीड करने के लिए कोई नेतृत्व कर रहा होगा। तो जो ये सब संगठन होता है उस संगठन के पीछे इनका जुड़ाव होता है, यद्यपि ये उतने दर्जे के पढ़े लिखे नहीं होते हैं। कहने का आशय ये है कि इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज होती है, पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, नहीं पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम देखा जाता है कि ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं उतना ज़्यादा जितना कि एक बेरोजगार व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है। तो इनका कहने का आशय ये है कि जब ये सब लोग, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों के महानतम
दिग्गज खिलाड़ी अपने अपने अनुभवों को लेकर के, यानी कि वो जिस उद्योग से जुड़े हुए हैं कई सालों से उसका अनुभव लेकर के अगर वो यूनिवर्सिटी में आते हैं और यूनिवर्सिटी में क्लासरूम में अटेंडेंट करते हैं, क्लासरूम के बच्चों को प्रैक्टिकली बताते हैं, उससे जुड़ी हुई बातें बताते हैं, उससे जुड़ी हुई संघर्ष, चुनौतियाँ, लाभ, हानि सब कुछ बताते हैं, तो उसका जो बेनिफिट होगा बहुत बड़े स्तर पे होगा। और नो डाउट प्रैक्टिकल जो है वो थ्योरी 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 से बहुत आगे होता है। किताबों में हम आप कुछ चीज़ें पढ़ते हैं तो वो उतना ज़्यादा वैल्यूबल नहीं होता। किताबों में किताबी बातें लिखी होती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल में उतरते हो तो प्रैक्टिकल की जो बातें होती हैं वो बहुत बहुत किताबी भाषा से पूरी की पूरी अलग हो जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको आदर्श स्थितियां नहीं मिलती हैं, और जबकि किताब में आदर्श स्थितियों का ब्यौरा लिखा होता है। सड़क पे आप जाते हो, किताब में लिख उठेगा कि सड़क मार्ग से जाते हुए वहाँ तक पहुँचा, लेकिन जब आप सड़क में जाते हो तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चुनौतियाँ जैसे रेड लाइट, क्रॉसिंग, पुलिस सिस्टम, गड्ढे, सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर सही ना होना, तो आपका टाइम टेकन हो जाता है, तो ये सब चुनौतियाँ होती हैं। तो इन्हीं चुनौतियों को उसने इस आर्टिकल में पूरा का पूरा लिखा गया है। पिछले कई सालों से जो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे अध्ययन नए आए हैं, जैसे जैव रसायन हो गया, कंप्यूटिंग साइंस हो गया, ये सब जो है दर्जनों अध्ययन के क्षेत्र जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हैं, और इनसे निकल करके इस समय जो है एक चर्चा का बिंदु है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरेटिव एआई, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो है विभिन्न प्रकार के अध्ययनों से वो निकल करके आई है चीज़ें, और उसको जो है इनोवेट करने में, एकेडमिक के साथ साथ लेकर के चलने में, इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ साथ वर्क करने में, इकोनॉमिक को साथ लेकर के चलने में, ये यूनिवर्सिटी के लिए वाकई बहुत ही बेहतरीन होगा, राइटर ऐसा कह रहे हैं। जो ज्वाइंट इंटरप्राइज है इंडस्ट्री की, वो नए प्रोडक्ट को जो है इनोवेट कर रहा है, नए प्रोडक्ट को जो है वो लेकर के चल रहा है। जैसे वास्तव में जो आइडिया है एक स्कूल को मेंटेन्स करने के लिए, एक यूनिवर्सिटी को, नए यूनिवर्सिटी को जो है मेंटेन करने के लिए नए अध्ययन, नए रिसर्च, नए कॉमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक उपयोग का अध्ययन, ये सब जो है यूनिवर्सिटी में होता है। लेकिन इसका जो है यूनिवर्सिटी का जो दृष्टिकोण होना चाहिए एजुकेशन का, उसका वाणिज्यिक उपयोग नहीं होना चाहिए, ये राइटर जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाना चाहिए नए अध्ययन, उपयोगी अध्ययन, रोजगार युक्त क्षमता, ये सब जो है रिसर्च अनुसंधान, नए नए रिसर्च, ये सब इसमें जो है इंक्लूड होना चाहिए। अब यहाँ तक तो ये बात थी। अब यूजीसी जो है वो पुश कर रहा है, यूजीसी क्या कर रहा है, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है एक पहल लेकर के आया है, और वो पहल है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का। यानी कि यूजीसी के द्वारा जो ये बात लिखी गई है कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ये जो है एक कॉन्सेप्ट लेकर के चला गया है, इसको लेकर के आया गया है। और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस राइटर कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी की तरफ ये जो व्यवहारिक दिशा में उठाया गया यूजीसी के द्वारा कदम है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, यह एक राइट कदम है, एक उचित कदम है, और इसको लेकर के चलना चाहिए। यूनिवर्सिटी जो यूजीसी है वो क्लियरली दर्शा रहा है, क्लियर स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जो इनोवेशन है वो सिंपली है, मतलब कहने का मतलब कि साधारण तौर पर जो इनोवेशन हो रहा है वो हर वर्ष एक नए अध्ययन की तरफ, एक नए माइंड्स की तरफ हम उसको लेकर के चल रहे हैं, ताकि एक जो नया दौर आ रहा है उसकी तरफ हम नए नॉलेज को ग्रहण करें, और भविष्य में भी ऐसा जो है आगे भी होता रहेगा। तो यूनिवर्सिटी का जो कहना है, यानी कि यूजीसी का जो कहना है कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो है वो हायर एजुकेशन यानी कि अभ्यास के द्वारा, अभी हम बताते हैं कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस होता क्या है। तो यूजीसी का कहना है कि प्रैक्टिस जो प्रैक्टिशनर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं इत्यादि हैं, ये सब हायर एजुकेशन सिस्टम में जब अंदर जाएंगे, यानी कि हायर एजुकेशन सिस्टम की तरफ ये सब बढ़ेंगे,
तो उसकी जो क्वालिटी है वो इन्हेंस होगी, वो सब क्वालिटी जो है खुद ब खुद बढ़ेगी, खुद ब खुद जो है वो गेन होगी। जब प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस उसमें उससे जुड़ेंगे, और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो है वो क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो कैटेगरीज होती है, पोजीशंस होती है, स्थिति होती है, वो नए नए कैटेगरी के जो पीओपी होते हैं यानी कि प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर, वो विभिन्न प्रकार के एकेडमिक संस्थानों में पेशेवर अभ्यास के द्वारा उनको लाया जाएगा यानी कि उनकी नियुक्ति की जाएगी। एक ऐसी, और वो उनकी जो नियुक्ति होगी वो परंपरागत टीचरों की नियुक्ति से भिन्न होगी। और ये जो प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर्स हैं ये वास्तविक दुनिया के जो अध्ययन हैं, अपने अनुभव हैं, वो क्लासरूम के अंदर जो है उनके जो संसाधन हैं क्लासरूम के अंदर उच्च शिक्षा में वो अपना वितरित करेंगे। यानी कि वो जिस क्षेत्र से जुड़े होंगे, जिस क्षेत्र से उनका कनेक्शन होगा, उस क्षेत्र से जो कुछ भी वो अनुभव ग्रहण किए हैं, जो कुछ भी वो उच्च स्तर पर ग्रहण किए हैं, जैसा उनका कार्य करने का तरीका है, जिससे वो लीड किए हैं, वो सब हायर एजुकेशन सिस्टम में क्लासरूम के अंदर विद्यार्थियों के साथ एंगेजमेंट करेंगे और अपने अनुभवों को और वहाँ क्लासरूम के अंदर विद्यार्थियों को साथ साथ लेकर के चलेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आज का जो रिलेवेंट दौर है उसमें रिलेवेंट स्किल चाहिए बच्चों को, और वो रिलेवेंट जो स्किल्स है वो एक वेल ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो है उसको बेनिफिट कराएगा। यानी कि क्लासरूम के अंदर जो स्नातक स्तर, परास्नातक स्तर के विद्यार्थी हैं उसके अंदर ग्रेजुएट टीचर्स जो वेल ट्रेंड होगा, अपने क्षेत्र में माहिर होगा, प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर्स के तर्ज पर वो उसको ट्रेंड कराएगा। कथित तौर पर जो प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर्स होता है वो व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही अपने इंडस्ट्री में, अपने उद्योग में, अपने अनुभव के साथ बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उसकी जो स्थिति है, नियुक्त करने की जो तरीका है, जब यूनिवर्सिटी उसको नियुक्त करेगी तो वह अपने अनुभवों को, प्रैक्टिकल नॉलेज को, प्रैक्टिकल स्किल्स को स्टूडेंट के साथ शेयर करेगा। और यह स्टूडेंट के साथ जो शेयर करने वाली बात होती है बहुत बहुत, एक तरीके से समझ लीजिए फ्रेंड्स कि मैं भी उसी दौर से गुजरा हुआ हूँ, परंपरागत कहीं भी नहीं ठहरता है प्रैक्टिकल के आगे। नो डाउट परंपरागत का अपना महत्व होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं एक आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। अभी आप एक बीटेक स्टूडेंट को ले लीजिए जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, वेल ट्रेंड आईआईटी से मैकेनिकल उसने किया है। नो डाउट वह एक गांव के या शहर के या कहीं के भी जो गाड़ी बनाते हैं उनसे बहुत बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, लेकिन वो जो बीटेक किया हुआ विद्यार्थी है वो किसी विशिष्ट के लिए ही उपयुक्त है, और वो कहीं कंपनी में कार्यरत होकर के ट्रक बनाएगा, कहीं इंजन को मॉडल देगा, लेकिन उससे कम पढ़ा लिखा हुआ लड़का कुछ भी नहीं जानता, वो केवल अपने अनुभव के आधार पर बड़ी बड़ी मशीनें बना डालता है। उसका अनुभव उस बीटेक के छात्र से अलग रहता है, और जो कंपनी का निर्माण करता है वो कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा होता, वह बीटेक की तुलना में बहुत ही कम पढ़ा लिखा होता है, लेकिन जो कंपनी बनाता है वो हायर करता है उन बीटेक विद्यार्थियों को। यानी कि जाहिर सी बात है कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा योग्यता है कि वह बीटेक जैसे स्टूडेंट को हायर कर लिया, तो उस क्षेत्र का क्या अनुभव है, उनके कार्य करने का क्या तरीका है, कैसे वो वाणिज्यिक के लिए उपयोग करते हैं, कैसे रोजगार अर्थव्यवस्था में उत्पन्न करते हैं, वो सारी चीज़ें स्टूडेंट के साथ इंगेजमेंट करना, एक प्रैक्टिकल बताना। अभी आप किताब में पूरी किताब खोल डालिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की या कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, आपको समझ समझ में नहीं आएगा, जो गारंटी है। एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, तीन बार पढ़ेंगे, चौथी बार आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, एग्जाम आएगा, जाके लिख करके चले आएंगे, कहानी ख़त्म। इससे ज़्यादा कुछ होता होता नहीं है, भारत की शिक्षा पद्धति भी ऐसी ही है। तो ये सब जो तरीका होता है, और वहीं
अगर आपको बचपन से ही क्लास 9th से ही छोटी छोटी मशीनें खोलना सिखा दिया जाए, छोटी छोटी मशीनें खोलना बनाना सिखा दिया जाए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 साल में इतना मेच्योर हो जाओगे कि बहुत कुछ कर सकते हो। तो यही बदलाव होता है। आप क्लास 9th से ही जब चीज़ों को सीखना प्रैक्टिकल वे में सीखते हो, प्रैक्टिकल करते हो, थ्योरी से हट करके करते हो, तो आप रोजगार पाने की दिशा में अधिक आपके पास अवसर आ जाते हैं। और वहीं जब आप थ्योरी पढ़ करके जाते हो, तो थ्योरी का जब उपयोग करने जाते हो, तो पूरा का पूरा आपके सामने जो है आप चकमा खा जाते हो कि जो पढ़े थे वो तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि थ्योरी आदर्शवाद की स्थिति में लिखी जाती है, आइडियल लिखी जाती है, वो जो है एक ऐसी स्थिति में लिखी जाती है जहाँ पर कोई चुनौती नहीं होती। लेकिन जब आप व्यवहारिक में उतरते हो, प्रैक्टिकली उतरते हो, तब आपके सामने पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वह विपरीत हो जाती है। तो POP क्या होता है? कथित तौर पर अपने क्षेत्र में उद्योगपति या स्किल से युक्त एक खिलाड़ी होता है जो ट्रेडिशनल एकेडमिक प्रोफेसर से अलग होता है। POP जो है वो बाहर एकेडमी के छात्र होते हैं, यानी कि परंपरागत जो टीचर नियुक्त किए जाते हैं उनसे अलग होते हैं, और ये आउटसाइड एकेडमियाँ होते हैं, यानी कि बाहरी दुनिया से इनको नियुक्त किया जाता है। बाहरी दुनिया का मतलब अलग ग्रह से नहीं, बाहरी दुनिया का मतलब जैसे आपने अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो PG करो, PG करने के बाद नेट क्वालिफाई करो या PhD करो, लेकिन इनको नियुक्त करने के लिए PhD या नेट ये सब या एडवांस रिसर्च डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। इनकी जो नियुक्ति होती है ऑन दियर एक्सपर्टाइज, अपने क्षेत्र के ये एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपीरियंस से लबोलबाब भरे होते हैं, अपनी प्रोफेशन से अपनी इंडस्ट्री में ये सब बहुत माहिर होते हैं, और ये वास्तविक दुनिया के अंदर जीते हैं। और इसी वास्तविक दुनिया यानी कि व्यवहारिक दुनिया में क्या होता है क्या नहीं होता है, उस बात को यूनिवर्स क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट के साथ शेयर करना, यही बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब इसको जो है इस स्तर पर नियुक्त किया जाएगा तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट के पास अधिक अवसर होंगे। अब जो प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर्स होते हैं वो उसमें जो शामिल हैं बिजनेसमैन शामिल हैं, इंजीनियरिंग के लोग शामिल हैं, लॉ के लोग शामिल हैं, जर्नलिज्म के लोग शामिल हैं, आर्ट्स के लोग शामिल हैं, बहुत सारे लोग शामिल हैं। तो जो POP होता है यानी कि प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर्स होता है, वो पहली चीज़ की थ्योरी पे उसका फोकस नहीं रहता, उसका फोकस प्रैक्टिकल पे रहता है, और वो प्रैक्टिकली ही बातें स्टूडेंट को शेयर करता है। तो क्या होता है इससे रियल वर्ल्ड में क्या एप्लीकेशंस होता है, सीखने का क्या तजुर्बा होता है, ये सारी चीज़ें क्लासरूम के अंदर जब आपको सर्व कराई जाएंगी, स्टूडेंट प्रोजेक्ट उस पर काम करेगा, तो जाहिर सी बात है वो एक तरीके से स्टूडेंट के अंदर जो है नवाचार निकल करके आएगा, यानी कि जो सीखने की ललक है, सीखने की क्षमता है, रिसर्च की क्षमता है, वो जाहिर सी बात है निकल करके सामने आएगा। और यही रियल में होना चाहिए कि स्टूडेंट का जुड़ाव थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली भी होना चाहिए, कोलाबरेट करना चाहिए, इनको रिसर्च प्रोजेक्ट पर जो रिलेवेंट हो रहा है उस पर होना चाहिए। और जो इनोवेशन की बात की जाती है कि पीओ जो रिसर्च की बात की जाती है, इनोवेशन की बात की जाती है, वो अगला पिलर है। POP जो होते हैं यानी कि प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर्स, ये अपनी यूनिवर्सिटी के राजदूत होते हैं, और इंडस्ट्री पार्टनर्स तथा स्टूडेंट के साथ इनका जो रिलेशनशिप होता है वो बिल्डिंग करने के लिए होता है कि ये जिस इंडस्ट्री के शीर्ष पर होते हैं, जिस भी इंडस्ट्री में इनका जुड़ाव होता है, इंडस्ट्री का मतलब केवल और केवल उद्योग नहीं होता, इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि उद्योग के साथ साथ जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री, शिक्षा उद्योग, कॉमर्शियल इंडस्ट्री, लॉ इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, तो उद्योग का मतलब जहाँ समूह में उस विशिष्ट क्षेत्र के लोग काम करते हैं। तो इंडस्ट्री जब आए तो इसका मतलब कि वह कौन सी इंडस्ट्री, ये नहीं होता। तो हर इंडस्ट्री के लोगों के साथ इनका जुड़ाव, तो जब स्टूडेंट इसके साथ जुड़ेगा
इनके साथ सारी बातें करेगा एक तरीके से, तो स्टूडेंट के साथ बहुत सारा जो है अवसर निकल करके आएगा। और स्टूडेंट के पास जब प्रैक्टिस रहेगा, इनके जो संगठन हैं प्रैक्टिक, ये जो है पीओपी, ये पार्टिसिपेट कर सकेंगे अपने पेशेवर संगठनों और सम्मेलनों में जो अप टू डेट इंडस्ट्री ट्रेंड्स है उसमें ये भाग ले सकेंगे और अपने अनुभवों को शेयर कर सकेंगे। इस प्रकार जो पीओपी हैं यानी कि प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर्स हैं, वो यूनिवर्सिटी के जो वाणिज्यिक सोच है, जो वहाँ के वाणिज्यिक क्रियाकलाप हैं, यूनिवर्सिटी की जो सभ्यता है, जो मैनर्स हैं, उसको पुनः आकार देने में सक्षम होगा। टीचिंग और रिसर्च जो है वो एक तरीके से यूनिवर्सिटी के इंडस्ट्रियल एरिया में फाउंडेशनल पिलर्स हैं। आज फाउंडेशनल पिलर्स थे, आज हैं नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटियों में टीचिंग और रिसर्च ही कराए जाते थे। अब उसके स्थान पर आया क्या है, इनोवेशन आया है, ये तीसरा पिलर है। इनोवेशन के साथ साथ आपको क्या चाहिए, एक्टिविटी चाहिए, कमर्शियल एक्टिविटी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो ये सब यूनिवर्सिटी के नेक्स्ट पिलर हो जाते हैं। इनोवेशन, हर चीज़ पे रिसर्च करना, परंपरागत लीक से हट करके उस पर कार्य करना, ये सब जो है लगातार इसकी एक्टिविटी होती है। जब इनोवेशन जो है कल्चर बन जाता है, मजबूती से वो कल्चर स्थापित कर दिया जाता है, तो हर जो एकेडमी है, शिक्षण संस्थान है, वो संश्लेषित विचार और नए स्टार्टअप उद्योग को स्थापित करने के लिए सक्षम हो जाती है। यानी कि जब आप इनोवेट करेंगे, उस दिशा में पहल करेंगे, उसमें कमियां और हानि कैसे है कैसे नहीं है उस पर अपना व्यू रखेंगे, उसको निकाल करके बाहर लेकर आएंगे, तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट के साथ नए नए स्टार्टअप स्वतः निकल करके आएंगे। यूनिवर्सिटी का जो बेस है स्टार्टअप, ये जो है केवल और केवल विचारों को लेकर के नहीं चलेगा, बल्कि उन विचारों को पेटेंट में परिवर्तित करेगा, और पेटेंट जो है ये कमर्शियल प्रोडक्ट्स में परिवर्तित करेंगे। यानी कि इनोवेशंस का विचार, अभ्यास का विचार, प्रैक्टिकल का व्यवहार, प्रैक्टिकल यानी कि अभ्यास का विचार, ये सब टोटल केवल और केवल जो है विचारों को लेकर के यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी जो है इन विचारों को पेटेंट में लेकर के आएगा, यानी कि जब वो विचार लेकर के आएंगे, इनोवेशन करेंगे, तो जाहिर सी बात है उद्योग स्थापित होंगे, स्टार्टअप उद्योग लेकर के आएंगे, तो जब नया नया स्टार्टअप आएगा तो वो पेटेंट की दिशा में जाएगा, और जब पेटेंट आएगा तो जाहिर सी बात है वो कमर्शियल प्रोडक्ट के रूप में आएगा, और जब कमर्शियल प्रोडक्ट निकल करके आएगा तो जाहिर सी बात है लोगों की आय बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेंगे, देश की इकोनॉमी फुलफिल होगी। तो जितना ज़्यादा आइडिया ग्रो होगा, उतना ही ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो है वो इंटरप्रेन्योरियल ग्राउंड पे बहुत मजबूत होगी। तो यह पूरा का पूरा जो एकेडमी और उसके रिसर्च उद्योग वर्क हैं, ये पूरी की पूरी जो है यूनिवर्सिटी के लिए फ्रूटफुल होंगे। तो इस तरीके से जो कोलेशन है, वो इंडिविजुअल पार्ट का जो कोलेशन है, यानी कि जो प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर्स इंडिविजुअल तरीके से छात्रों को जो है रिलीफ देंगे, अपना विचार शेयर करेंगे, उनको साथ साथ लेकर के चलेंगे, तो यूनिवर्सिटी जो है उतना ही ज़्यादा और भी सक्षम होगी और भी बेटर तरीके से प्रदर्शन करेगी। तो अब राइटर कह रहे हैं कि वह दिन दूर नहीं है शायद किसी दिन जो प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर्स हैं, ये नए जनरेशन के लिए जो है इंटरप्रेन्योर्स के लिए ये लीड करेंगे, नए जनरेशन के लिए ये जो है नए स्टूडेंट्स के लिए ये अपना स्थान बनाने में कामयाब हो जाएंगे, और स्टूडेंट जो है कैंपस के भीतर ही नए गूगल के रास्ते खोजने के लिए तैयार रहेगी। तो ये प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर्स पे पूरा का पूरा फ्रेंड्स एनालिसिस था। अब इस पर जो है आपका जो बेसिस्ट क्वेश्चंस है वो यही बनेगा कि क्या जो परंपरागत
यूनिवर्सिटी या विद्यालय या शिक्षा संस्थानों में जो परंपरागत शिक्षा अनुसंधान कराए जाते थे, क्या उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है? नो डाउट बदलाव करने की तो आवश्यकता है ही। तो ये पूरा का पूरा आपका आर्टिकल्स है, कैसे इसको लेके चलना है, कैसे नहीं लेके चलना है, आप लोग अब तक समझ गए होंगे। अब फ्रेंड्स दूसरे आर्टिकल पर हम आते हैं, अनडिफाइंडिंग रूपे। इनकी कहानी एक अलग ही कहानी है। ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट है फ्रेंड्स जहां पर जब भी चुनाव होता है तो वहां की जो सरकार है तुरंत हिंसा शुरू कर देती है, सरकार नहीं वहां पर हिंसा शुरू हो जाती है। और दुर्भाग्य है कि वहां पर जो लोकतंत्र है वो इस तरीके का लोकतंत्र है कि वहाँ पर कुछ लोगों को डरा धमका कर नॉमिनेट ही नहीं किया जाता, यानी कि चुनाव में वो खड़े ही नहीं हो सकते। एक अजीब तरीके का लोकतंत्र है वहाँ पर। तो अब आइए देखते हैं कि क्या यहाँ पर कहानी है। जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की जब तैनाती की गई तो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि भी जो 8 जुलाई को पंचायत इलेक्शंस पश्चिम बंगाल में होना है, हाई कोर्ट ने वहाँ पर स्थिति को देखते हुए कहा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी जाए। और उस केंद्रीय बलों की जो तैनाती है वह पहली चीज़ की उस पर राज्य सूचना आयोग और पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट, ये दोनों ने अपनी नाराज़गी जाहिर की है। चलिए मान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार अगर नाराज़गी जाहिर की है तो ये बात समझ में आती है। हो सकता है कि सरकार है, उनका तो काम है विपक्ष को गिराना, विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना। तो लेकिन राज्य सूचना आयोग इसका समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि राज्य सूचना आयोग तो निरपेक्ष ढंग से चुनाव को कराने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, तो ये क्यों सरकार के साथ हामी भर रहा है? इसी पे पूरा बेसिक आर्टिकल है। अभी हाई कोर्ट जो कलकत्ता का हाई कोर्ट है उसने आर्डर दिया कि, और कथित तौर पर पूरा का पूरा जो है उसने संवेदनशील इलाकों को देखते हुए कि यहाँ पर जो राज्य सूचना आयोग है और राज्य की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पर्याप्त नहीं है, इसीलिए यहाँ पर केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए, और वो जो है राज्य सूचना आयोग के अंडर में वाच करेगा और उस पर यह राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा। हालांकि दुर्भाग्य से जो वेस्ट बंगाल है जब भी वहाँ पर चुनाव आती है तो वहाँ वायलेंस देखा गया है। यहाँ तक कि जो करंट पोल प्रोसेस है अभी तक, अभी तो चुनाव 8 जुलाई को है लेकिन अभी तक 8 लोग मारे जा चुके हैं। यह और 8 लोगों के मारे जाने के अलावा अभी तक कुछ लोग पंचायत के चुनाव में अपना नॉमिनेशन का फॉर्म ही फिल नहीं कर पाए हैं, उनको रोक दिया गया है। तो वही मैं कह रहा था, इन सब के संदर्भ में जो SCE है यानी कि राज्य सूचना आयोग है वो अभी तक जो है अपनी जो केंद्रीय बलों की तैनाती पर स्वतः विचार करना चाहिए था। यानी कि आर्टिकल कह रहा है कि राज्य सूचना आयोग को राज्य की स्थिति का संदर्भ लेते हुए राज्य में क्या हो रहा है, घटना कंट्रोल नहीं हो रही है तो उसको जो है स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए था केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर के। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की शिकायत है, स्टेट गवर्नमेंट ने सीधा सीधा हाई कोर्ट का जो आर्डर था उसको लेकर के अपनी नाराज़गी जाहिर की। और यही मैं अभी कह रहा था कि सरकार ने तो नाराज़गी जाहिर की ही लेकिन सरकार के साथ साथ राज्य सूचना आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। लेकिन ये जो है गवर्नमेंट के साथ साथ अपना वहीं पे गया है और लगता है ऐसा है कि गवर्नमेंट और राज्य सूचना आयोग आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा इस पर जो है डिनाई कर दिया, राज्य सूचना आयोग और पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट जो लेकर के गई थी उस आदेश उसके निर्णय को सीधा सीधा पलट दिया, कहा कि नहीं जो हाई कोर्ट ने कहा है वही यहाँ पर लागू होगा। ये जो इशू है इलेक्शंस का उसके परिप्रेक्ष्य में देखते हुए कि चुनाव निष्पक्ष और फेयरनेस तरीके से होना चाहिए, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आर्डर को ही जारी रखना, हाई कोर्ट के आर्डर को ही रहने दिया, उसको पलटा नहीं। उसने सीधा कहा कि यहाँ पर केंद्रीय बलों की जो तैनाती है वो की जाएगी। दूसरा,
अभी जो पश्चिम बंगाल है वहाँ 74,000 सीटों पर एक ही दिन में वोट डाले जाएंगे, चुनाव होगा। तो ये जो पोल्स पोलिंग बूथ्स हैं ये जो है उसको दिशा निर्देश दिए गए हैं, जस्टिफाइड किए गए थे कि वहाँ पर जो सुरक्षा है उसको लेकर के तैनाती की जाए, उसकी सुरक्षा की पुष्टि की जाए ताकि कोई भी हिंसा ना होने पाए। दूसरी तरफ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो राज्य सूचना आयोग है वो सेंट्रल फोर्सों को लेकर के, यानी कि 22 ज़िले हैं और 22 ज़िलों में से सेंट्रल फोर्स तैनात की गई है और प्रत्येक ज़िले में जो है एक कंपनी तैनात है केंद्रीय बल की। तो इसके लिए जो है ये सीधा सीधा अपना जो शिकायत है इसके लिए इसने, राज्य सूचना आयोग ने अपनी शिकायत जाहिर की, और राइटर कह रहे हैं कि इसको शिकायत जाहिर करने के बजाय स्वतः इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन हाई कोर्ट ने एक बार फिर दोबारा चुनाव के मद्देनज़र देखते हुए जो 2013 की चुनाव पंचायत चुनाव हुए थे उसको ध्यान में रखते हुए सीधा सीधा कहा कि जो केंद्रीय बल तैनात हैं वो पर्याप्त नहीं हैं और ये इनएडिक्वेट हैं, इसको और भी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको जल्दी से जल्दी बढ़ाना चाहिए। 2013 का जो चुनाव पंचायत का चुनाव हुआ था वहाँ पर 1.5 लाख व्यक्तिगत पुलिसकर्मी तैनात थे तथा 82,000 सेंट्रल पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। जो कंट्रोवर्सी है पॉलिटिकल वायलेंस का, ये जो है पश्चिम बंगाल में हर समय रहा है, राजनीतिक हिंसा वहाँ पर हर समय होती रही है, हर इलेक्शंस जो है, ऐसा कोई इलेक्शंस नहीं है जहाँ पर राजनीतिक हिंसा, पश्चिम बंगाल में अगर इलेक्शंस हो रहा है तो ऐसा कोई भी इलेक्शंस नहीं वहाँ पर राजनीतिक हिंसा ना हो और लोगों की हत्याएं ना हो, ये बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हर इलेक्शंस के लिए जो है डिमांड की जा रही है, हर इलेक्शंस में चाहे वो किसी का भी इलेक्शंस हो, सेंट्रल पश्चिम बंगाल में अगर इलेक्शंस हो रहा है तो वहाँ पर सेंट्रल फोर्स की तैनाती की मांग की जाती है। और ला और यह संघीय व्यवस्था जो है, फेडरल जो प्रिंसिपल है, संघीय सिद्धांत है, उसमें कहा जाता है कि जो ला और आर्डर की व्यवस्था है वो स्टेट के अंतर्गत आती है और वो जो है अक्सर ऐसे समय पर टेस्ट किया जाता है। लेकिन हाई कोर्ट ने जो है पिछली जो चुनाव हुए थे, एक तरीके से 2021 का जो चुनाव हुआ था उसमें जो घटनाएं घटी थी बहुत ही गंभीर वायलेंस हुआ था, तो ये पिछला असेंबली इलेक्शन था उसके लिए हाईकोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का आर्डर दिया था। तो कुल मिलाकर के जो पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट है उनको स्वतः इस तरीके की ओछी हरकत नहीं करनी चाहिए, राइटर कह रहे हैं। और ये बात सच है कि जो राजनीतिक दल हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको आवश्यक रूप से एक इंडिपेंडेंट इलेक्शंस पर ध्यान देना चाहिए और उनकी, उन सभी की जिम्मेदारी बनती है कि वह स्वतंत्र, निष्पक्ष और फेयर तरीके से चुनाव को जारी रखें, चुनाव कराएं और जो भी रिजल्ट आए उस पर अपनी स्वीकृति दें। तो ये बात निकल करके आती है पश्चिम बंगाल के संदर्भ में कि पश्चिम बंगाल जो है वो कैसा अपना किया, क्या नहीं किया। तो जाहिर सी बात है भाई, एक तरफ तो आप इस तरीके से अभी दूसरे स्टेट में हो तो ममता बनर्जी जी सीधा एग्रेसिव हो जाती हैं कि हिंसा हो रही है, ये हो रहा है, और जब पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी होता है तो वो जो है एकदम शांत रहती हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने चली जाती हैं। और मान लीजिए सरकार तो सरकार जाती है तो राज्य सूचना आयोग उसमें भी साथ दे रहा है, तो ये थोड़ा बात ठीक नहीं है, खास करके लोकतंत्र के लिए। ये आर्टिकल देखिए वैसे तो हमारे काम का नहीं है क्योंकि इसमें व्यक्तिगत तौर पर इंडिया का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन मैं आपको इसको बताते चलूँगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर आज निकला है तो द हिंदू चूँकि एक विशेषता लेके चलता है कि एक आर्टिकल को 25 बार जब तक हम निकाल नहीं देंगे तब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, एक ही आर्टिकल को 10 से 20 बार महीने में उसका निकालना धर्म हो गया है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बताते चल रहा हूँ। स्प्रिंग वायलेंस ये देखिए इजराइल के संदर्भ में है, इजराइल जो है अभी इजराइल फिलिस्तीन अरब दुनिया में लेकर के एक अलग ही संघर्ष है, वेस्ट पश्चिमी जो वेस्ट बैंक है वहाँ पर हर समय हिंसा होती रहती है, हर समय वहाँ पर
जो है एक अस्थिरता बनी रहती है। इजराइल ने जेनिन में कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के साथ छापा मारा और वहाँ पर 7 फिलिस्तीनी मारे गए। और इजरायली जो इजराइल में जो इली है वहाँ पर 2 फिलिस्तीनियों के द्वारा बंदूक से हमला किया गया, जिसमें 4 इजरायली मारे गए। और इजराइल के द्वारा 1 अरब के गांव को उजाड़ बजाड़ दिया गया, पूरी तरीके से अव्यवस्थित कर दिया गया, और इसमें बहुत सारे लोग जो है वो घायल भी हो गए, 1 फिलिस्तीनी मारे गए। पश्चिमी जो वेस्ट बैंक है, जो कब्जा है जहाँ पर इजराइल का, वहाँ पर बहुत तेज़ी से हिंसा में वृद्धि हो रही है। और इस हफ्ते जो है वो प्रतिपक्ष हमला, काउंटर अटैक्स और जो हमला होता था, दूसरा इंतिफादा का याद दिलाती है। इजराइल जो है पिछले कई सालों से वेस्ट बैंक में कब्जा किए हुए, वेस्ट बैंक को अपने अधीन किया हुआ है, लेकिन वहीं पर जो जीविस सेटलमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जो नई लोकल फिलिस्तीनी प्रतिरोध है वो उभर करके सामने आ रहे हैं, जैसे जेनिन ब्रिज, ये उभर रहे हैं। और ये इजरायली सिपाहियों पर जो है होम मेड वेपन्स के साथ, कम तकनीकी वाले बमों के साथ हमला कर रहे हैं। उत्तरी वेस्ट बैंक में जेनिन अपने वायलेंस के साथ जो है फिलिस्तीनी प्रतिरोध के साथ उभर रहे हैं। इजराइल जो है यहाँ पर दैनिक बेसिस के आधार पर छापा मारता रहता है। फिलिस्तीनी की साइड जो है वो अपना जो है वहाँ पर प्रतिरोध जो करने की क्षमता है वो अपना लेकर के चल रहे हैं। फिलिस्तीन छापा मार इजराइल डेली बेसिस पे छापा मारता है, जबकि फिलिस्तीन की साइड से वहाँ पर हमले किए जाते हैं। यूएन के मुताबिक अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन के मुताबिक अगर देखा जाए तो इजराइल ने अभी तक 114 फिलिस्तीनियों को, चाहे वो नागरिक हों, और उसमें नागरिक और सेना दो के दोनों लोग शामिल हैं, और 12 जून तक 114 फिलिस्तीनियों को मार गिराया है इजराइल ने यूनाइटेड नेशन के अनुसार। वहीं फिलिस्तीन के द्वारा अभी तक 19 इजरायली मारे गए हैं। मंगलवार को जो है वो रेड पड़ी थी, और इजरायली कैबिनेट ने सीधा सीधा रेड पड़ने के बाद अप्रूव किया जो कि वहाँ पर जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक में हम न्यू सेटलमेंट करेंगे, नए कस्बे बसाएंगे। इली अटैक के बाद जो फिलिस्तानी गनमैन के अटैक के बाद जो इली है, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अनाउंस किया कि वहाँ पर हम 1000 नई बस्ती जो है बसाएंगे इस तरीके से। तो कुल मिलाकर के जो इजराइल और फिलिस्तीन है, वेस्ट बैंक है, वहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन में ज़बरदस्त तरीके से बमबाजी, संघर्ष ये हो रहा है। फिलिस्तीन होममेड वेपन्स बेचारे जहाँ से पा रहे हैं वहीं से मार रहे हैं, लेकिन मार रहे हैं। वेस्ट बैंक जो है वो पिछले कुछ समय से जल रहा है, बर्निंग हो रहा है। इजराइल जो है वहाँ पर बहुत सारी जो कब्जाकृत क्षेत्र है, जहाँ पर उसने कब्जा किया है इजराइल ने, वहाँ पर चेक पोस्ट को जो है, चेक पॉइंट को स्थापित कर दिया है, और अभी तक उसने जो है दूसरे इंतिफादा जो हो रहा है उसको रोकने में सफल साबित हुआ है। अभी तक जो है एक जो इंतिफादा एक प्रतिरोध है, और ये दूसरा प्रतिरोध होने के पहले तक उसको रोकने में सफलता हासिल की है, यानी कि कोई बड़े स्तर पर जो है घटना ना घटने पाए, लेकिन वो कब्जा करके बैठा हुआ है। ये जो विभाजन है, यानी कि ये और भी ज़्यादा गहराता चला जा रहा है। इस उम्मीद जब फिलिस्तीनियों को लगा कि कोई भी राजनीतिक समाधान अभी नहीं निकल सकता, तो वो क्या हुए कि वहाँ पर और भी ज़्यादा अटैक करना शुरू कर दिए, इजराइल की चौकियों के ऊपर, इजराइल सैनिकों के ऊपर, नागरिकों के ऊपर। तो उनको जो है नाइफ अटैक कहा जाने लगा कि, और कुछ जो ये जो अटैक फिलिस्तीनियों के द्वारा किया जा रहा है, ये इजराइल सोल्डर्स के अगेंस्ट किया जा रहा है, इनको कुछ लोगों के द्वारा नाइफ यानी कि चक्कू इंतिफादा कहा जाता है। लेकिन
जो वायलेंस है अगर उसका लेटेस्ट चरण देखें, लेटेस्ट स्थिति देखें, तो जो लोकल फिलिस्तानी ग्रुप है वो जो है बड़े हमले करने में सक्षम है, बड़े हमले कर रही है। और इजराइल जो है फिलिस्तानी गांवों को और जहां पर अटैकर्स रह रहे हैं उनके ऊपर जबरदस्त तरीके से हमला कर रहा है, आग बरसा रहा है। जो फिलिस्तीनी हैं वो डिवाइड हो चुके हैं, फतह कंट्रोल के साथ वेस्ट बैंक, फतह जो है वो कंट्रोल किया हुआ है वेस्ट बैंक को, और इस्लामी जो हमास हैं वो गाजा में शासन करते हैं। अरब वर्ल्ड एक जो सपोर्ट कर रहा था फिलिस्तीनियों को, वो जो है फिलिस्तीनियों को सपोर्ट कर रहा था, वो अब जो है इजराइल के साथ अपने रिश्ते को सुधारने में लगा हुआ है। यूएस और यूरोप जो है ये दोनों अभी यूक्रेन में बिलियंस डॉलर्स पैसे की मदद और नए हथियार जो है यूक्रेन को दे रहे हैं रसिया के विरुद्ध लड़ने के लिए। तो राइटर कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है कि इजरायली और इसी बीच जो इजरायली सैनिक हैं वो फिलिस्तीनियों को मार मार रहे हैं, प्रत्येक दिन फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। तो जो स्टेट है यानी कि जो वेस्ट बैंक का इलाका है और गाजा का इलाका है वो कई दशक से इजराइल के द्वारा ब्लॉक किया हुआ है, और एक आपदा प्रबंधन का नुस्खा भी है। ये तब तक नहीं हो सकता, राइटर कह रहे हैं कि इस मुश्किल घड़ी में फिलिस्तीनियों का साथ दे तो कौन दे, क्योंकि अरब जो साथ पहले देता था वो इजराइल के साथ हो गया है। अमेरिका बोल नहीं सकता क्योंकि अमेरिका का बेटा इजराइल है, और अमेरिका और यूरोप अभी बिजी हैं यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कौन बोल सकता है। राइटर कह रहे हैं कि ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इजरायली बस्तियों को मुक्त न कर दिया जाए और दोनों पक्षों के द्वारा वार्तालाप न हो, तब तक ये हिंसा जो है जारी रहेगी और भी बढ़ती रहेगी। तो ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स इजराइल और उसमें फिलिस्तीन में संघर्ष को लेकर के जो बात थी वो हमने बताई, इजराइल और फिलिस्तीन कैसे जो है अपना वर्क कर रहे हैं, क्यों जो है उसकी बात इजराइल जो है लगातार हमले कर रहा है, आखिर वजह क्या है। अब यहाँ पर देखिए एक अभी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी यात्रा पर गए हैं, तो नई नई संधियाँ निकल करके आ रही हैं, और जिसकी उम्मीद थी वही हुआ और अच्छा हुआ जो भी हुआ। यहाँ देखिए एक न्यूज है, आर्टिकल कंप्लीट हुए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर न्यूज एनालिसिस आई है। न्यूज एनालिसिस में आइए देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए जो न्यूज है वो है L&T यानी कि लर्सन एंड टर्बो और डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट यानी कि DRDO, ये जो है बृहस्पतिवार को साइन किए कौन से अनुबंध पर, कि दो एयर इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स यानी कि AIP, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम मॉड्यूल फॉर, और ये कलवरी इंजन्स के लिए है, कलवरी सबमरीन्स के लिए है, उसके लिए ये जो है ये इंजन बनाने के लिए सहमत हुए इंडियन नेवी की तरफ से ये अनाउंस किया गया। तो यहाँ पर आपको याद करना है कलवरी सबमरीन, इसके लिए AIP जो मॉड्यूल है ये जो है कन्वेंशनल सबमरीन और इसकी विशिष्ट टेक्नोलॉजी है, इसमें वृद्धि करेगा। ये जो मॉड्यूल है यानी कि एनर्जी मॉड्यूल है, कंपनी का कहना है कि यह ऑनबोर्ड हाइड्रोजन उत्पादन के साथ साथ बिजली का भी उत्पादन करेगा, और यह जो है एक तरीके से AIP जो सिस्टम है वह जो जहाज पर जहाज जब भी जाते थे तो उस पर हाइड्रोजन ले जाने की डिमांड रहती थी, और यह स्वयं से हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। इसलिए यहाँ पर जो अतिरिक्त हाइड्रोजन ले जाने की समस्या आती थी वो अब नहीं लेके जाया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है कि डिमांड पर हाइड्रोजन जो है वो उत्पादन करने की क्षमता इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसलिए यह बहुत ही बेहतरीन बात है और इसकी समझौता की गई है। अब यहाँ पर देखिए एक बात आती है, अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं अमेरिका और जो संधि हुई है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खास करके GE एरोस्पेस और HAL साइन यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स ने अभी साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ यूनिट्स पर यानी कि एक समझौते पर साइन किया जेट इंजन भारत में निर्माण को लेकर के, यानी कि भारत में जेट इंजन बनेगा और उसमें कौन सी कंपनी साथ देगी, कितना साथ देगी कितना साथ नहीं देगी,
तो ये जो है आइए अब पूरा का पूरा हम लोग विस्तार से इस न्यूज़ को बेहतरीन ढंग से देखते हैं। जो F414 इंजन है, यानी कि F414 इंजन, ये LCA MK2 इंजन को, जो कि 5th जनरेशन ट्विन इंजन है, इसको ये पावर देगा। इसको जो है इसमें ये इंजन लगाया जाएगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो MK1 है, ये पहले से ही ऑन ड्राइंग बोर्ड और इस पे पावरफुल इंजन लगा हुआ है। अब F414 पावर्ड एयरक्राफ्ट जो इंजन है, यह लगातार इसकी जो क्षमता है उसमें वृद्धि करेगा। अब यहाँ पर न्यूज़ क्या है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो अमेरिकी यात्रा है, उसमें इंजन मैन्युफैक्चरिंग की जो बात की जा रही है कि जीई एरो स्पेस ने सोम बृहस्पतिवार को अनाउंस किया एक समझौते पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। जीई एरो स्पेस का समझौता है कि वहाँ पर प्रोड्यूस किया जाएगा फाइटर जेट इंजन इंडिजीनियस, यानी कि स्वदेशी लाइटर लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए, हल्के लड़ाकू विमान के लिए स्वदेशी रूप से जेट इंजन, फाइटर जेट इंजन तैयार किए जाएंगे। और यह जो है एग्रीमेंट जो हुआ है, इस एग्रीमेंट में जो शामिल है वो प्रोडक्शंस ऑफ जीई एरोस्पेस, यानी कि जीई एरोस्पेस का F414 इंजन भारत में प्रोडक्शंस किया जाएगा। और जीई एरोस्पेस लगातार US गवर्नमेंट के साथ आवश्यक रूप से इसके निर्यात के लिए कार्य कर रहा है, तो ये निकल करके आया। और इसके बाद जो आज जो एग्रीमेंट हुआ है, वह समझौता जी एरोस्पेस के 99 इंजन जो बिल्ड किए जाएंगे, खास करके LCA MK2 प्रोग्राम्स के लिए, उसको जो है ये पूर्ति करेगा, यानी कि 99 इंजन ये देगा, 99 इंजन ये बिल्ड करेगा LCA MK2 प्रोग्राम्स के लिए जी एरोस्पेस। और इसके साथ साथ F404 इंजन जो है वो करेंटली पावर है LCA MK1 के लिए और LCA MK1A के लिए। तो इस तरीके से ये जो LCA MK1 एंड LMK1A, इसके लिए 83 इंजन जो है वो ऑर्डर किए गए हैं, और F404 इंजन जो है उसकी संख्या 83 है, इन दोनों के लिए ऑर्डर किए गए हैं। जबकि LCA MK2 ये लार्जर इंजन है, कैपेबल जेट है, और यह इसमें जो इंजन लगेगा ये F414 इंजन लगेगा। तो आपको ये जो है याद करना होगा कि F414 इंजन LCA MK2 के लिए है, और जबकि LCA MK1 और MK1A के लिए F404 इंजन है। तो ये जो शुरू हुआ था कुल मिला करके 1986 में, जी ने हिंदुस्तान एरो नॉटिक्स लिमिटेड के साथ अपना वर्क करना शुरू किया था F404 इंजन के लिए, F404 इंजन के लिए और LCA प्रोग्राम्स के लिए। टोटल जो है 75 F404 इंजन डिलीवर्ड किए जाएंगे, और अदर 99 इंजन अभी ऑर्डर पे शामिल हैं LCA MK1A के लिए। 8408 जो है F414 इंजन अभी तक डिलीवर्ड कर दिए गए हैं, डिलीवर करने का प्रोग्राम चल रहा है LCA MK2 के लिए। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा न्यूज़ था। और AMCA MK2 इंडिया जो है ये मोस्ट पावरफुल इंजन है, और इंडिया जो है इसको और भी इसकी जो क्षमता है उसमें वृद्धि करने का प्रोग्राम के बारे में सोच रहा है, उसको और भी जो है वो इसकी क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो है जो जेट इंजन है वो F414 और F404 ये इंडिया के लिए बनाए जाएंगे, इंडिया में बनाए जाएंगे, और उसकी समझौता भी बेहतरीन ढंग से हो चुकी है। अब आगे इसकी क्या होती है क्या नहीं, ये देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा G20 एजुकेशन मिनिस्टर को पुणे में आयोजित था ये, और पुणे में जो आयोजित किया गया था उस पर बात की गई कि ये जो है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो उपयोग है वो G20 राष्ट्रों में न्याय संगत, समानता पर आधारित, इक्विटेबल, जिम्मेदारी युक्त,
ये सब जो है उसमें शामिल होगा। और ये G20 के राष्ट्र आपस में सहमत हुए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जस्टिफाइज तरीके से यानी कि न्याय संगत तरीके से उपयोग करने के लिए, साथ साथ उसको समानता पर आधारित लागू करने के लिए। तो ये जो है योग्यतापूर्ण है, एक तरीके से डेवलपमेंट में मदद करेगा। पुणे में G20 राष्ट्रों की जो बैठक थी तो उसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उसको संबोधित किया गया। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है लेकर के जो बात की गई उसको यही कही गई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर सेक्टर्स में चूंकि अब आ जा रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो धोखाधड़ी है उसको रोकने के लिए उपाय किए जाए और जो समानता पर आधारित है, न्याय के तरीके पर आधारित है, उसको यहाँ पर लागू किया जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में थी वो थी। अभी देखिए सिस्टर इन मिलिट्री सर्विस, मिलिट्री सर्विस में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड से सम्मानित किया 30 नर्सों को, यानी कि 30 नर्स जो हैं वो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड से सम्मानित की गई। और यूनियन हेल्थ फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने इसको जो है नर्सों को इस तरीके से सम्मानित करने का वो जो सम्मानित किया एक तरीके से, यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी बात है। और अब आठवीं जो न्यूज है, अभी देखिए कल की जो बात थी, मोदी जी US में गए हैं, US विजिट पे गए हैं, वहाँ पर बहुत सारे जो एग्रीमेंट होने हैं। मेनली हमने आपको इसके विषय में अभी अभी बताया, पहली चीज़ की जेट विमान पर जो एग्रीमेंट होना था वो हुआ, दूसरा तेल से संबंधित एनर्जी, हालांकि अभी पूरा का पूरा जो बातें हैं वो निकल करके नहीं आई हैं, पूरी की पूरी बातें निकल करके आएंगी कल या परसों में। अभी जो कल ही की बात थी तो जो अभी तक समझौता जिस पे होना है वो अभी आप लोग घबराइएगा मत, अभी कल या परसों तक द हिंदू निकाल देगा। तो यहाँ पर मोदी की जो विजिट है वो वीजा से संबंधित है, H1 वीजा L1 इस पर बात होगी, जेट इंजन ट्रांसफ़र पर बात होगी, ड्रोन पर बात होगी, हेल्थ पर बात होगी, स्पेस कॉरपोरेशन पर बात होगी, डोमेस्टिक वीजा पर बात होगी जिसमें जो भारत के स्टेट्स हैं उनके लोग भी आसानी से अमेरिकी यात्रा कर सकें उस पर भी बात की जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो मोदी जी की यात्रा है वह देखने की बात होगी कि कितना ज़्यादा फेथफुल है इंडिया के लिए और कितना ज़्यादा फेथफुल है अमेरिका के लिए। तो इन दोनों मुद्दों पर बात की जाएगी। अब आगे क्या निकल करके आता है वो कल के पेपर में निश्चित तौर पर कल या परसों तक इस पर आर्टिकल आएगा। यहाँ पर एक छोटी सी बात है, बराक ओबामा जी सीधा जो बाइडन को एक सलाह दे रहे हैं कि जो है भारत में मुस्लिमों की सुरक्षा के ऊपर जो बाइडन को अपना मोदी जी से बात करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा आज के दिन आर्टिकल था और आज का आर्टिकल यहीं तक। अब आगे जो है कोई भी आर्टिकल्स या न्यूज नहीं बचा है, सारी न्यूज और आर्टिकल्स हम एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आपको पसंद आता है एनालिसिस तो आप लोग लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिए और डिसलाइक क्यों किया है वो भी साथ में उल्लेख करते हुए बताइए। और जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप सीधा पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट लेक्चर पर कल के साथ, तब तक के लिए अ लॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।